नमस्कार साथियों, 25 अगस्त के पेपर की शिफ्ट का पहले शिफ्ट का पेपर आ चुका है। हम जीएस पार्ट का बहुत शॉर्ट में एनालिसिस कर लेते हैं। ये एनालिसिस आपको आगे आने वाली शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए क्या होगा कि जैसे कल के शिफ्ट का अगर आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई थी, जैसे मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, त्रिपिटक के बारे में बताया था, इसके साथ साथ मैंने आपको मालवेयर के बारे में बताया था, WTO के बारे में और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, आज उन्हीं से क्वेश्चन आया है। तो अगर आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो बहुत हेल्पफुल रहेगी, सीरीज देख कर जाइएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से आने पर कितना समय लगता है? तो भैया यह सबको पता होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में समय लगता है आपका लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। कुछ जगह इसको 8 मिनट 16 सेकंड भी देते हैं, तो आपको ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड टिक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान ये हमने कहाँ से लिया था? भारत की संसदीय प्रणाली का प्रावधान हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। कनाडा से हमने क्या लिया? संघीय शासन व्यवस्था हमने कनाडा से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुरलोकन अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से एक तो हमने अपनी प्रस्तावना की भाषा, दूसरा हमारी जो समवर्ती सूची है इसको हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो हो सकता है आगे वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे हैं। संविधान के सारी स्रोतों की PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर फोटो डाल दी, उसको देख कर जाइएगा। MSC का फुल फॉर्म क्या होता है? MSC का फुल फॉर्म क्या होता है? MSC क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। जब मैंने आपको मौद्रिक नीति के बारे में बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि भैया मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? RBI। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आपका RBI का गवर्नर होता है। जब मैंने RBI वाली क्लास पढ़ाई थी, आप टेलीग्राम पर नोट्स में जाके देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। RBI के भैया पहले गवर्नर कौन थे? RBI के पहले गवर्नर थे ऑस्बोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर 1946 में बने थे आपके CD देशमुख जी। और वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? वर्तमान में 25वें गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास जी। 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। और 2016 में जब हमने विमुद्रीकरण किया था उस टाइम पर भी हमारे गवर्नर थे उर्जित पटेल जी। 23वें कौन थे? 23वें थे आपके रघुराम राजन जी। अगला क्वेश्चन, विनय पिटक का संबंध किससे? विनय पिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिदम पिटक। और बौद्ध धर्म ने क्या करते हैं? 3 रत्नों के बारे में बात करते हैं, बुद्ध धम्म संघ। ये 3 धर्मों के बारे में बहुत बात करते हैं। इसी के साथ साथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी का संबंध किससे? महावीर स्वामी का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म की प्रसिद्ध किताब है, जैन धर्म की प्रसिद्ध किताब कौन कौन सी है? आपकी भगवती सूत्र और कल्पसूत्र जैन धर्म की प्रसिद्ध किताबें हैं। व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन था? अष्टाध्यायी व्याकरण का पहला ग्रंथ है, जिसकी रचना किया था पाणिनि ने। GDP डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? GDP की गणना कौन करता है? अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि भैया GDP की गणना कौन करता है? वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले कौन करता था? 2019 से पहले CSO करता था। CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में CSO की स्थापना हुई थी। इसके बाद साथ एक संस्था कौन सी? NSO। NSO की स्थापना हमने कब की थी? 1950 में। और 2019 में हमने क्या किया था? CSO और NSO को मिलाकर एक संस्था बना दिया था NSO। तो वर्तमान में GDP का, राष्ट्रीय आय का, NNP का, बेरोजगारी, गरीबी, सारे आकलन कौन करता है? सारे आकलन आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जून को हम क्या करते हैं? 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम PC महलनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। वित्त मंत्रालय का हेड कौन होता है? वित्त मंत्री और वित्त सचिव होते हैं। वित्त मंत्रालय, वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अभी हमारे यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? परम वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह, नंद किशोर सिंह। किन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे अरविंद पनगड़िया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आज के पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें मैं मानती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अब जो भी हो रहे हैं उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके नोट्स से आ रहे हैं। एक जो आपके बुक्स वाले क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं। कल की जो बुक्स आई थी वो तो आपके नोट्स से आए थे, लेकिन आज की बुक्स आउट ऑफ बॉक्स आई हैं। तो एक बुक वाले जो क्वेश्चन वो आपके नोट्स से नहीं आ रहे हैं, और एक आपके साइबर सिक्योरिटी वाले, क्योंकि इससे पहले UP पुलिस ने कभी भी साइबर सिक्योरिटी में नहीं किया, तो उसमें क्वेश्चन आपके नोट से नहीं आ रहे, बाकी क्वेश्चन आपके नोट से ही आ रहे। बस अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ के जाइएगा।
और जो चीज़ें आपको पेड नोट्स में दी गई उन्हें तो पढ़ना ही है। और यूट्यूब में जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे नोट्स दिए गए, अगर आप उतना पढ़ के जाओगे आराम से 38 में से 25 से 30 नंबर के स्कोर कर पाओगे। मैं मानती हूँ बुक के क्वेश्चन कुछ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने उन 3-4 क्वेश्चन के लिए वीडियो नहीं बनाया। पहले मैंने सोचा था कि आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का वीडियो बना दूं, पर मुझे लगा यार ज़बरदस्ती बहुत चीज़ें पढ़ने की, अब लास्ट टाइम पे बहुत प्रेशर मत क्रिएट करिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी उन्हीं को रिवाइज करिए, उन्हीं को कर कर जाइए। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट किसकी किताब है? क्राइम एंड पनिशमेंट किताब है आपकी फ्योडर दोस्तोवस्की की। ये बुक आपको नहीं आई होगी क्योंकि इसका कोई पूछने का लॉजिक नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का पूछने का एक सिक्वेंस होता है। बुक्स ऐसी आ रही हैं जो शायद आप ना कर पाओ। लाओस की राजधानी, लाओस की राजधानी तो आप करके आप आए होगे, जो आपको मैंने करंट अफेयर का नोट दिया था उसमें लिखा भी था। लाओस की राजधानी क्या होती? वियतनाम। वियतनाम नहीं होती, वियतियानी होती है आपकी लाओस की राजधानी। काठमांडू किसकी भैया? नेपाल की है। इससे पहले किसकी पूछी गई थी? क्रोशिया की राजधानी पूछी गई थी। तो राजधानी का क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, जितने मैंने आपको देशों की पिक दी है बस उतना पढ़ लेना, क्वेश्चन फंस जाएगा। कौन सा संगठन सुचारू और पूर्वानुमित व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है? कल भी मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में पढ़ाया था WTO। WTO की हेड कौन है? नागोजी ओंकाचा इम्बेला। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक क्या करता है? भैया जो हमारे बैंक होते हैं या देश होते हैं उनको लोन प्रदान करते हैं। भारत सरकार को अगर अपने देश में लोन लेना है तो किससे लेगी? भारत सरकार को अगर अपने देश में लोन लेना है तो RBI से लोन ले ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होते हैं? IMF के बारे में कल की वीडियो में बताया था, उसको देख लेना। आगे देखते हैं, भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST की दरें क्या है? मोबाइल फ़ोन पर GST की दरें क्या हैं? मोबाइल फ़ोन पर GST की दरें होती हैं 12%। आपके GST के स्लैब कितनी है? तो GST के स्लैब है 5। जैसे कि आपके आवश्यक वस्तुओं पर दूध आदि पर कितनी होती है? 5% की GST होती है। शिक्षा आदि पर कितनी GST होती है? 28% की GST होती है। GST के स्लैब 5 है, लेकिन GST के स्ट्रक्चर पूछेगा, GST के आधारभूत संरचना पूछेगा तो 4 है। GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 101वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए हम GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। हो सकता है आगे वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, GST परिषद में सदस्य कितने होते हैं? तो GST परिषद में सदस्य होते हैं आपके 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33। लेकिन GST परिषद का हमारे संविधान में कहाँ पर उल्लेख है? GST परिषद का हमारे संविधान में 279A में उल्लेख किया गया। GST परिषद के हेड कौन होते हैं? GST परिषद के हेड होते हैं आपकी वित्त मंत्री। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? भाई कोई भी आप अनुसंधान कर रहे हो, कोई भी खोज कर रहे हो, तो पहला चरण क्या होता है? पहले आपको पता होना चाहिए ना कि समस्या क्या है, समस्या की पहचान करना। जैसे आपने पढ़ा है गन्ना अनुसंधान के, चीनी अनुसंधान के, दलहन अनुसंधान के, तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही उन्हीं को तो हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसका पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना। इसके बाद भाई समस्या का चयन करते हो, किस समस्या को हमें सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है? कोई उसमें समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। 18 वर्ष से कम आयु, जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का होगा क्या हो जाएगा? बाल हो जाएगा। तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति मानवाधिकारों की रक्षा कौन करता है? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल होते हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है? बाल अधिकार, बाल संरक्षण आयोग भी अलग से बना होता है। ये जब मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे, बाल श्रम का निषेध, इसके साथ साथ आपका क्या होता है बलात्श्रम का निषेध, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया अगर दिव्यांग होता है तो उनके लिए कितनी हो जाती है? वैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, लेकिन जो दिव्यांग होते हो कितने? 6 से 18 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा कुछ ले। अनुच्छेद 21A में क्या है? निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं 6 से 14 वर्ष को। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना प्रारंभ कब हुई थी? सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हमने 2006 में प्रारंभ की थी। नहरों का देश किसको कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं हम पाकिस्तान को। झीलों का देश को किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। गोल्डन पैगोडा कंट्री किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। थंडर ड्रैगन भूमि किसको कहते हैं? थंडर ड्रैगन भूमि कहते हैं आपके भूटान को। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ अभी नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी भी घोषित किया है। सोशल मीडिया पर TVT का अर्थ क्या होता है? सोशल मीडिया पर TVT का अर्थ क्या होता है? सोशल मीडिया पर TVT का अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। मतलब क्या होता है थ्रो बैक थर्सडे? ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, हो सकता है इनके आंसर आपको ना पता हो, तो इन सब में ज़्यादा परेशान भी नहीं होना कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए टफ नहीं, सबके लिए टफ है, लेकिन बाकी चीज़ें इस बार की सरल आई हैं।
इसके अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्पर सीएनएन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। क्रिस्पर सीएनएन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए करते हैं, तो जीन का संपादन करने के लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं बीटी कसार्स बीटी कपास का निर्माण किया था, इसके साथ साथ हमने बीटी पैगन मंगाया था। तो ये क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जीन का संपादन करते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम, पहला क्वेश्चन जिसमें दिवस ने पूछकर थीम पूछे गए, तो समुद्री दिवस की थीम क्या रखी थी, समुद्री दिवस की हमने थीम रखी थी भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले। अच्छा समुच्चय क्वेश्चन है तो भैया पूछ सकते हैं कि समुद्र महासागर में डूबी हुई चीज़ों का पता कैसे लगाते हैं, सोनार के द्वारा। अब सोनार में कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं, तो सोनार में हम पराशर तरंगों का प्रयोग करते हैं। पराशर तरंगें क्या होती है, वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वो हमारी सर्प तरंगें होते हैं, सर्प तरंगों को मनुष्य सुनता है। पराशर तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्षण क्या है, कह रहे हैं कि पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्षण क्या है, पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण मतलब किसी भी सम्मेलन का मुख्य लक्षण क्या होगा, तो विचार की तैयारी, निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, जूरी चयन करने के लिए, अंतिम फैसला सुनाने के लिए। पूर्व परीक्षण का मतलब इसका राइट आंसर शायद बी होगा, लेकिन एक बार इसको टिक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होगा, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 130 नंबर को भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न के किसी प्रकार के मानसिक पतन का कार्य करना, ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी ना, साइबर बुलिंग करना, अगर आप किसी को सोशल मीडिया में परेशान कर रहे हो, लगातार मैसेज भेज रहे हो, लगातार कॉल कर रहे हो, तब क्या करते हो, साइबर बुलिंग कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है, एआई काम करता है, एआई क्या कर रहा है, नवाचार इनोवेशन कर रहा है, नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। एआई आपके कुशल और अकुशल श्रमिक के अंतर को बढ़ाते हैं, नहीं। अच्छा अभी एक बात बता दो भैया, कुशल श्रमिक को हम कौन सी जॉब बोलते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, व्हाइट कॉलर जॉब, जब मैं आपको अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बता रही तो मैंने आपको बताया था जो कुशल श्रमिक होते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, अकुशल श्रमिक को कौन सी कॉल कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब। जो व्यक्ति आपके पंचम क्षेत्र से जुड़े होते हैं उन्हें कौन सी जॉब कहते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कहा हुआ था, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। ये आपके नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, सबसे पहले तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। क्वेश्चन देखो सरल आए हैं आज की शिफ्ट में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे आपको पता होना चाहिए कि चारू डीटी कब हुई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट कब हुआ था, भैया रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था, बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए विशाल जनसंख्या अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा ली थी, इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है, 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन भारत कब आता है, साइमन कमीशन भारत आता है आपका 1928 में। साइमन कमीशन के साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हो गया था जिसमें घायल हो गए थे। अब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्रिप्स मिशन कब हुआ था, क्रिप्स मिशन भी आपको 1942 में हुआ था, तो किसके जवाब में शुरू किया गया होगा, क्रिप्स मिशन के जवाब में। अब क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन आया तो क्रिप्स मिशन से इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था क्योंकि 1939 में क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग के लिए इन्होंने कहा कि अब भारत में क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे और भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन ये सब करेंगे कब, युद्ध के बाद। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, जवाहरलाल नेहरू ने टूटे हुए बैंक का चेक, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्रिप्स मिशन। देखो जिसको सिर्फ आंसर देखने हो तो आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हो या किसी और जगह से देख लो, ये एनालिसिस मैं उन बच्चों के लिए करवा रही हूँ जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, तो कुछ और चीज़ें हो सकते हैं कि पूछ ले, जैसे कल के एनालिसिस में मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए थे, आज वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, और कुछ जो मैंने अपने हैंड राइटिंग से नोट्स लिख के डाले थे उनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे, तो एक बार उन नोट्स को जरूर पढ़िएगा, और नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया।
कौन संसद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य क्षेत्रों के सीमाओं पर नाम राज्य से सीमा में परिवर्तन कैसे करते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या होता है, नए राज्यों को प्रवेश कराते हैं, या तो उस राज्य को आपने अर्चित किया हो या तो किसी राज्य ने आपको अर्चित किया हो या अर्पित। जैसे सिक्किम, सिक्किम का प्रवेश कैसे कराया था, अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि 2 और 3 में परिवर्तन करने की, आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप क्या साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हैं, लेकिन 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश, जिन राज्यों को या तो आपने अर्जित किया हो या तो अर्पित। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भैया आपको अगर अपने यहाँ के राज्य क्षेत्र गठन नाम सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। अनुच्छेद 4 2 और 3 में परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हैं। अगला रबी की फसलें, कितनी बार आपको मैंने रबी की फसलें बताई थी। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती, कब से काट ली जाती हैं, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, सामान्यतः इनको मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। अब जब मार्च अप्रैल को ऑप्शन नहीं तो आप ऑप्शन क्या टिक कर दोगे, मई। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, गेहूँ चना राई मटर ये सब क्या होती हैं, सरसों जौ ये सब क्या होती हैं, आपकी रबी की फसलें होती हैं। अब इसके बाद मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये कौन सी फसलें होती हैं, ये आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। इसके बाद जैसे ककड़ी खीरा ये कैसी फसलें होती हैं, जायद की फसलें। तो हो सकता है आगे वाले एग्जाम में पूछ लो, तो एक बार देख लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है, एनएससी का उद्देश्य क्या होता है, एनएससी आपके क्या करते हैं, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय बाजार को नियमित करना ना जी, वित्तीय बाजार को नियमित करने के लिए तो हमारा सेबी है। सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, सीमा सुरक्षा की निगरानी करने के लिए हमारी सीमा सुरक्षा बल होती है, SSB होती है, BSF होती है, IDBP होती है, अलग अलग हमारी फोर्सेज हैं। आपदा राहत करने के, आपदा राहत के लिए हमारी क्या है, NDRF है। क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, तो आपको चारों ऑप्शन के आंसर पता होना चाहिए। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद विरोधी अपहरण विरोधी अभियान चलाना। NDRF की पहली महिला टीम हमने कहाँ पे तैनात की थी, NDRF की पहली महिला टीम हमने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तैनात की थी। हो सकते हैं आगे वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वित्तीय बाजार का नियमन कौन करता है, वित्तीय बाजार का नियमन करता है सेबी। सेबी की स्थापना कब की थी, सेबी की स्थापना किया था 1988 में, लेकिन सेबी का एक्ट कब आया था, 1992 में सेबी का एक्ट आया था। वर्तमान में सेबी की महिला हेड कौन है, माधवी पुरी बुच सेबी की हेड भी और पहली महिला हेड भी सेबी की कौन है, माधवी पुरी बुच है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, अम्लीय वर्षा के लिए इसमें से मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे आपका क्या होते हैं, H2SO4, HNO3, ये दोनों क्या होते हैं, आपके अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में से सल्फर डाइऑक्साइड पूछ रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। धान के खेत में या पशुओं के जुगाली में कौन सी गैस मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। और ठोस CO2 को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ठोस से होती है उसे हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो हो सकते हैं आगे वाले शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी एनालिसिस देखोगे तो एक आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि भैया कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके का। एक मैं आप सबके लिए एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रही हूँ, आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। जितने भी एग्जाम होते हैं, PCS प्री तक का एग्जाम, किसी भी, चाहे एक छोटा सा SSC का एग्जाम हुआ, MTS का हुआ, पुलिस का हुआ, पेट का हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, उसके हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लें तो इससे मैं एग्जामिनर का अप्रोच समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी सीरीज स्टार्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पवन ऊर्जा उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, 4th रैंकिंग है। अभी कल मैंने आपको सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था हाइब्रिड एनर्जी के लिए श्रीलंका ने अडानी ग्रुप से क्या किया था, समझौता भी किया था, सौर ऊर्जा के बारे में योजनाएं बताई थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से करके आ गए होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इतना सरल क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही आए होंगे, जगदीप धनखड़ जी।
और हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है भैया? हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता, जब परमाणु समझौता जो क्वेश्चन पूछ ही रहा है आपके एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप नॉर्मली माइंड लगा के तो कर सकते हो। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान परमाणु समझौता, देखो परमाणु समझौते के लिए हमने कहा कि जो परमाणु ऊर्जा होगी इसका युद्ध में सेना में प्रयोग नहीं करें, लेकिन उसके अलावा मानव की रक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हो। भाई परमाणु ऊर्जा से आप अगर ईंधन बना रहे हो, अगर अलग अलग एनर्जी बना रहे हो, तो उसका अच्छे से प्रयोग करिए। अर्थात हमें युद्ध के क्षेत्र में सैन्य अभियानों में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना है, बाकी क्षेत्रों में उसका पॉजिटिव प्रयोग कर सकते हो। तो असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हो। यही 2016 का समझौता हुआ था, जो कि हमने किसके साथ किया था? जापान के साथ। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या मतलब होता है? भैया आ रहे हो रह रहे हो, क्या होता है? प्रवास के आ रहे हो जा रहे हो, एकदम से नहीं रह रहे हो। और 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो सबसे पहले हमने 1875 में क्या किया था? एंग्लो ओरिएंटल मोमडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना किया था। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हमने कब किया था? 1875 में। लेकिन इसी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को हमने 1920 में क्या कर दिया था? विश्वविद्यालय बना दिया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय हमने 1920 में बनाया था, लेकिन कॉलेज के रूप में स्थापना 1875 में की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1920। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? देखो हिंदी और संस्कृत का संस्थान उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर उसका कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, याद रखिएगा। वाराणसी को भैया हम घाटों का शहर कहते हैं। देव दीपावली का आयोजन वाराणसी में करते हैं। सौरवीर मंदिर का कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी में ही क्या हुआ है? वाराणसी के तिरंगा बर्फी को GI टैग भी मिला हुआ है। प्रयागराज में क्या होता है? गंगा यमुना का संगम होता है। सरस्वती नदी भी आपके प्रयागराज में है। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या भी आपके प्रयागराज में पाई जाती है। सर्वाधिक ज़्यादा विधानसभा सीटें किसमें हैं? सर्वाधिक विधानसभा सीटें भी आपके प्रयागराज के अंतर्गत पाई जाती हैं। कानपुर में आपका दाल अनुसंधान केंद्र, चमड़ा आपका कानपुर का जिला उत्पाद है। टेक्सटाइल सिटी, साइबर सिटी, होजरी सिटी भी हम कानपुर को जानते हैं। इसी के साथ साथ कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कानपुर वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आपके कानपुर से थी। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री है जिसे 1998 में आर्थिक पुरस्कार मिला था? अमर सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक कहते हैं। 90 के बीच में यही LPG की नीति लाए थे। उस टाइम पे भारत के क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? प्रधानमंत्री थे आपके नरसिम्हा राव जी। रघुराम राजन जी RBI के 23वें गवर्नर हैं। रघुराम राजन जी की प्रसिद्ध किताब है व्हाट डू आई डू, इनकी एक प्रसिद्ध किताब है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगला, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? देखो जेन आयर, ये शायद आपको ना पता होगी, शार्लोट ब्रॉन्टी की किताब है। अगली है, ट्विटर क्या है? ट्विटर ईमेल तो नहीं है, चैट, OTP, MSMS ना जी। ट्विटर इसमें क्या होगा? चैट। वैसे तो चैट भी नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में आप चैट कर सकते हैं। ईमेल तो है नहीं, ईमेल तो आप अलग से भेजते हो। OTP भी नहीं, OTP जो होता है वन टाइम पासवर्ड नहीं है। MSMS भी आपका नहीं है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैट हो जाएगा। लेकिन चैट से ज़्यादा क्या होता है? पोस्ट शेयरिंग का एक ऑप्शन होता है, ट्विटर पर करते हैं। पर इसके अकॉर्डिंग और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख नीति दर्रा है कहाँ पर है? ये दर्रा है आपके उत्तराखंड में। और किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? आपके चीन के साथ। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान, ये सबको पता होगा। आक्रमण वह क्या होता है? जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मालवेयर, जब कोई हमने दुर्भावना से कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मालवेयर। तो आपके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, हो सकता है कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। इससे पहले की चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल एनालिसिस किया था, थोड़ा सा टाइम कम था, बहुत जल्दी से मैंने डिस्कस किया। बाकी की क्लासें शाम को डिटेल एनालिसिस करेंगे, अभी मेरी क्लास लगी हुई। ओके।